हम्पी के बारे में डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के, उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को विजिट किया, इसी वजह से न्यूज में था। और वैसे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट गए तो अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। हम्पी को लेकर बताने करेक्ट क्या है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में लोकेट करती है एंड इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की कैपिटल सिटी ये हुआ करती थी। जल्दी से आंसर करें, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी को, जो कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है, विजयनगर। और ये आपकी कैपिटल सिटी भी किसकी थी, विजयनगर की ही कैपिटल सिटी थी, ध्यान रखिएगा। हम्पी जो है इट कंप्राइजेस मेनली द रेमिनेंट्स ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि 14th टू 16th सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर जो ग्रेट हिंदू किंगडम थी वो मानी जाती थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, कर्नाटका में लोकेट करती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी थी, ना कि निजाम हैदराबाद की। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिकॉज ऑफ दिस इट कीप्स ऑन कमिंग द न्यूज। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। यहां पर अगर आप देखेंगे हम्पी के अंदर जो सीमेंट है वो यूज नहीं किया गया, ईंटों को जोड़ने के लिए एक वेट सिस्टम जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया। जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जो नहीं अभी तक पढ़े हैं जिन्होंने, वो डेफिनेटली जब हम्पी के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे ईंटों को सीमेंट लगाकर नहीं जोड़ा गया था, एक वेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था।